lixo. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टॉपिक के एक मेरे एक बड़े एक पढ़े लिखे दोस्त ने क्वेश्चन किया था कि एक खुदा को मानते हैं लेकिन कौन से खुदा को मानते हैं, ये क्वेश्चन था। तो मैं देख रहा हूँ कि इसके बारे में ना क्वेश्चन करने वाला हो ना कि ज़्यादा सूटेबल होता है। अब कल्ला कैसे होगा कुछ थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। जैसे अल्लाह ताला की ज़ात वैसे तो हर शय के साथ वो खुद जाते खुद मुंसिफ है। जैसे अल्लाह ताला कहता है कि मैं ज़मीन व आसमान का नूर रोशनी एनर्जी के जरिए लाइट के जरिए नूर के जरिए मखलूकात है जो चीज़ें उसके लिए हमारे साथ जैसे मादे शामिल होती है और ये सब खुदा है, ये सब उसका है, खुदा का है, हमारा कुछ नहीं जो हमें बचाता है। नहीं तो इंसान के पास इख्तियार है तो उसका दावा भी करता है कि कुदरत बंद करता है। ये चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारे फायदे के लिए रखी है। वैसे तो वो इतना गुस्सा नहीं करता कि जिस तरह लोग हमें नहीं मानते या हमारी बात नहीं मानते तो हम गुस्सा कर जाते हैं, वो नहीं करते। तो हक अल्लाह उस्समत दम साफ रहे उसकी कोई नीड्स हो, उसकी कोई जैसे हमारी नीड्स होती है वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट भी इस तरह कि जैसे ये जो आदत दीजिए उसको खुशी होती है जब लोग उसके आगे झुकते हैं, सजदा करते हैं या वो खुश होता है। जो खुदा है जिसके आगे सारी मखलूक झुकी हुई है, वो अगर दो चार पांच बंदे या तो दो बिलियन 3 बिलियन 20 बिलियन जितने भी लगा लें मखलूक का तो आप हिसाब ही नहीं लगा सकते। तो उसमें कोई नहीं सजदा करना तो वो उसको फौरन पकड़ता तो नहीं, पूरा टाइम देता। जब तक वो इंसानी हकूक पामाली ना करे या जुल्म का रास्ता इख्तियार ना करे उस वक्त तक उसकी पकड़ नहीं होती। उसकी पकड़ तब होती है चाहे वो आबादी करने वाला हो चाहे वो आबादी करने वाला ना हो, जब वो जुल्म के रास्ते पर चलता है।
चाहे वो जुल्म अपने साथ हो चाहे वो जुल्म किसी और के साथ। मैंने अपने साथ इसलिए किया कहा कि बाद जुल्म इंसान अपने साथ भी ज़ाहिर को गुनाह करता है तो वो अपने ऊपर जुल्म करता है, मतलब कहता है वो जुल्म है। तो उसके लिए हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने आपको उसमें डालना पड़ता है स्ट्रेस में, तो वो उसमें नीयत काउंट करती है। नीयत काउंट करती है कि आप नीयत क्या है और आप करेंगे क्या। अगर आपके पास कुछ ताकत बची है तो आप उसको अल्लाह के रास्ते पे लगा दें, लोगों के रास्ते पे लगा दें, भलाई के रास्ते पे लगा दें। तो मेरा नहीं ख्याल नीयत भी यही हो और काम भी यही हो और वो ताकत ज़ाया जाए। अल्लाह ताला किसी का कोई अमल ज़ाया नहीं करता। सिर्फ ये इबादत हमें दी गई है, ये सारी जितनी भी हैं आप इसके ऊपर पीछे गौर करें तो आप हमें पता चलेगा कि हमें हकूकुल बात का दर्स दिया गया। पांचों बात आप देख ले, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर क्वेश्चन है तो पूछ ले, मैं आपको बता दूँगा। और एक रुकन है तो एक रुकन में मैं आपको कितनी कितनी इबादत बता दूँगा। और सबसे बड़ी इबादत जो है वो रिज़्क़ हलाल ईमानदारी से काम करना है, ये सबसे बड़ी है। अगर ये इस बात में हम कामयाब ना हुए तो बाकी सारी जो इबादत होंगी वो बेकार होंगी और वो रिहा होगी बेकार होगी। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा कुरान की तरफ आएँ, तर्जुमे की तरफ आएँ, पंजाबी सुनिए। अब तो बहुत आसान है, अगर किसी चीज़ की आपको फ़र्ज किया एक दो दफ़ा आधा घंटा आप 15 मिनट आप लगाएं ना थोड़ा, अगर नहीं समझ आती पूछ लें, लेकिन जब आप बार बार थोड़ा ये कंटिन्यू या लगे रहेंगे ये करेंगे ना तो फिर ऐसा ऐसा आपकी समझ खुद भी आना शुरू हो जाएगी। तो ये आप ज़रूर करें, ये मेरा एक मशवरा है। मैं बड़ी देर से ये कह रहा हूँ और मैं सबसे बड़ा दुख भी मुझे यही है कि हमारी कौम ने वो जो किताब थी, वो जो रास्ता हमारे बहुत से सुलेमान में देखे गए थे, हमने आगे भी देखे जाना, वो हमने खुद भुला दिया। उसके ऊपर हमारा यकीन नहीं रहा। वो कैसे कि कोई भी जब मुझसे पूछता है ना, हालांकि पता है सब कोई क्या करता हूँ, मैं आप काम क्या करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये कहता हूँ यार मैं तबलीग करता हूँ, लोगों को इलम पहुँचाता हूँ। नहीं, वो रहने के लिए क्या करते हैं, इनकी ये वो कैसे, क्योंकि हमारे मुसलमानों के जहन में ये फिक्स हो चुका है कि जो हम अल्लाह का काम करते हैं या दूसरा को काम करते हैं तो फिर हमारी रोज़ी बिल्कुल बंद हो जाती है। भाई बिल्कुल बंद नहीं होती, अल्लाह ताला वसीला ज़रिया बना देता है। अल्लाह ताला तो आपको वहाँ से भी रोज़ी देगा कि आप गुमान भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें जब जेन में आती हैं तो फिर मुझे दुख होता है कि ये हमारा फेथ है, ये हमारा ईमान है कि हम डरते हैं अच्छे रास्ते की तरफ की परेशानी ना आ जाए। अब तो परेशानी आएगी नहीं बेटा, अगर आएगी भी ना तो अल्लाह ताला आपको साथ में वो ताकत भी दे देगा कि आप बर्दाश्त कर जाए। और आपको पता है वो ताकत में जो बर्दाश्त करना वो तो किसी आसान और पुरासाइश ज़िंदगी से भी ज़्यादा मज़ेदार है कि आप अल्लाह के लिए मशक्क़त उठा रहे हो। वो तो अल्लाह को बहुत पसंद है, जब वो अल्लाह को बहुत पसंद है तो वो आपको कितना सेटिस्फाई रखता होगा कि आप छोटी सी जगह पे बैठे महल से बड़े आप समझ रहे होंगे उसे। तो फिर ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यही है कि इल्म है इसको हासिल करें। अगर जैसे दुनिया का हम हासिल करते हैं बड़ी मिल के, हम बच्चों को बड़ा फोर्स भी करते हैं थोड़ा सा 10-15 मिनट बस। मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था तो मैं ये चाहता हूँ, ये कोशिश है अल्लाह ताला कामयाब करें। और इसको ज़रूर पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें, डरने की ज़रूरत नहीं है कि अरबी सीखें ये करें वो करें। ये मुझे भी पहले बड़ी दफ़ा कहा गया, अब अरबी भी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप शुरू तो करें, पंजाबी है पंजाबी में शुरू करें, खुद इसको हासिल करें खुद। क्योंकि मैंने जो कामयाब कौमें देखी हैं, ख़ासकर हमारे जो जूस ब्रदर हैं,
खासकर वो तोरा की जो जो तालीमात है ना वो घर में दी जाती हैं, स्पेशली माँ बाप देते हैं, और वो 7-8 साल के बच्चे को वो अपनी किताब बता चुके होते हैं, उसके बाद उसने जदीद इलम तो वो साथ में पढ़ते ही रहते हैं, इसलिए वो ज़्यादा कामयाब है। और वो क्योंकि वो दोनों रास्तों में वो सेंटर में चल रहे हैं, मीन कि वो दीन का इलम भी जानते हैं और वो साइंस का इलम भी जानते हैं, लेटेस्ट इलम हमारे हमारे कुछ लोग जानते हैं, और जब वो बोलते हैं तो उसकी आवाज़ उनकी आवाज़ भी दबा दी जाती है, क्योंकि तो यहाँ पे एक ट्रेडिशनल चल रहा है, उसको अल्लाह ताला उसको ख़त्म करे और शऊर दे।